बसमिल्मी मेरा नाम अब्दुल्हु आप देख रहे हैं प्रोफेशन तिलावत कोर्स रुक जाएं रुक जाएं जल्दी ना करें स्किप ना करें स्किप करके फौरन आप मोबाइल की स्क्रीन पे जाके देखना चाह रहे हैं कि किस तरह मैं काम करता हूँ यहाँ से आप कुछ सुनते नहीं और फौरन वहाँ पहुँचते हैं फिर बोलते हैं कि हमसे हो नहीं रहा सर हमसे हो नहीं रहा मेरी बात भी सुन लिया करें जो मैं आपको समझा रहा होता हूं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है पूरी बात को समझना है अगर आप सीखने हैं मैं चाहता हूं एक दफा आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें उसके बाद आप फुल सीख जाए आपको नौबत ही नहीं आए मुझसे मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करने की राबता करने की ठीक है वहां तो आप करते हैं चले फिर भी मैं गाइड कर लेता हूँ लेकिन मैं ये भी कहा जो चीज मैंने वीडियो में बताई होगी वो आपको मैं व्हाट्सअप पर नहीं बताऊंगा दोबारा आपको वाट्सअपे वीडियो पर भेज दूंगा ठीक है अब बात को यहाँ सुने कुछ यूजर होते हैं काइन मास्टर को यूज़ करते हैं ठीक है थोड़ा सा मुश्किल एप्लीकेशन भी और थोड़ी हैंग भी होती है लेकिन कुछ यूजर हैं जो इन शॉर्ट को इन शॉर्ट पर एडिटिंग करना पसंद करते हैं तो इससे पहले मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं है कुरान एडिटिंग की इन शॉर्ट पर लेकिन आज और अभी ये आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बेहतरीन लेकर आ रहा हूं जो यूजर प्रोफेशनल का थोड़ा काम यह है कि काइन मास्टर में कुछ ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं प्रोफेशनल ठीक है लेकिन कुछ इन शॉर्ट पर भी होते हैं तो कुछ इन शॉर्ट पर होते हैं तो वो काइन मास्टर पर नहीं होते जो काइन मास्टर पे होते हैं वो इन शॉर्ट पर नहीं होते एक और मेरी बात याद रखिएगा जब भी आप किसी वीडियो को या किसी ऑडियो की एडिटिंग करते हैं एक ही अपलीकेशन के अंदर करें उससे क्या होता है अगर आप कहते हैं कि ये इफेक्ट इसके अंदर मिल जाते हैं तो कुछ इफेक्ट हमें इसके अंदर मिल जाते हैं इस तरह क्या होता है कि जैसे आपने काइन मास्टर पर कंप्लीट कर ली अपनी वीडियो सब चीजें कुछ इफेक्ट के लिए आप फिर उसी ऑडियो को दूसरी एप्लीकेशन में भेज के और वहां पर वो इफेक्ट लगाते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी वीडियो क्वालिटी होता है वीडियो क्वालिटी क्वालिटी आपकी लो हो जाती है। भी हो जाती जाती है है ऑडियो भी खराब इसलिए जब भी आप एडिटिंग करें शुरू से लेकर आखिर तक आप एक ही के अंदर काम करें या तो काइन के अंदर करें या तो फिर इनशॉर्ट के अंदर करें या तो कपकेट के अंदर करें किसके अंदर भी आप करते हैं तो आप उसको कंप्लीट एंड तक अपलिकेशन के अंदर करें ताकि आपकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी बनी रहे ये जो आप वहां पे सेव करके फिर बोलते हैं कि हम यहां अपलोड करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाती है वीडियो क्वालिटी खराब

फाइनल हो गई अब आपने कहां से किए मोबाइल में किए उिटी से किए जहां से किए आपने अपनी ऑडियो फाइनल कर लेनी है, है कुरान के उसके बाद दूसरा आपका काम क्या है दूसरा स्टेप क्या है आपने जाना है गूगल के अंदर गूगल में जाके आपने लिखना है पिग्जल पिग्जल जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर फिर आप जाएंगे तो काफी सारी आपको उसमें वीडियो फ्री कॉपीराइट मिल जाएंगे अब आपने वीडियो कैसे सर्च करनी है उसका भी तरीका देख लें आपने आपने लिखना है नेचुरल वीडियो तो काफी सारी आपके नीचे आ जाएंगे या तो फिर लिखें डार्क नेचुरल वीडियो या फिर नाइट नेचुरल वीडियो इस तरह काफी आ जाती हैं जो आपको अच्छी लगे उस पर आप क्लिक करें जब उस पर क्लिक करेंगे तो उससे मिलती जुलती काफी सारी वीडियो आ जाएंगी जो साउंड के साथ होंगी बैकग्राउंड में साउंड होगा जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो माशाला बहुत अच्छी होती है जो अगर बारिश हो रही तो बारिश का साउंड होता है आग जल रही तो आग का साउंड होता है इस तरह की वीडियो आप लोगों को गूगल से मिल जाती है अच्छी खासी लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है आपने गूगल से भी वीडियो ले ली अब एक और मेरी बात सुने एक आप, आपने एक वीडियो ले ली अगर आप एक वीडियो के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है इन शॉर्ट में लेके जाके आपने उसको डुप्लीकेट 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 करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप तीन चार मंजर उठाते हैं पांच छह मंजर उठाते हैं तो फिर आपने उसको जोड़ना है जब जो आप जोड़ लेंगे तो उसके जो बीच में जोड़ आते हैं उस जोड़ को हमने बिल्कुल प्रोफेशनल कैसे बनाना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा तो चलते हैं टाइम बिना बिन वेस्ट किया हम जाते हैं इन शॉर्ट में और सीखते हैं वहां पे हमने प्रोफेशनल कुरान एडिटिंग कैसे करनी है वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप यहाँ से प्रोफेशनल तरीके से इन शॉर्ट पर कुरान एडिटिंग करना सीख कर जाएं ठीक है उसके अलावा मैं अपना स्क्रीन पर नंबर देता हूँ उससे आपको कोई मसला होता है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक और चीज मेरी याद रखिएगा इस फाउंड को एड करने के लिए जो आपको मैं बताऊंगा उसके लिए आपके पास फाउंड का होना जरूरी है वो फाउंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से जाके जब आप क्लिक करेंगे उस फाउंड को तो जब क्लिक करेंगे तो उल्टे हाथ पे छोटा सा एरो बना होगा एरो को नीचे लिखा होगा 2005 सिर्फ आपने 2005 वाला फाउंड कंप्लीट डाउनलोड कर लेना है फॉर एग्जाम्पल अगर इन शॉर्ट पर कोई मसला आ रहा है सॉरी डिस्क्रिप्शन में कोई मसला आ रहा है फाउंड डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे रबा कर सकते हैं मैं आपको वो फाउन व्हाट्सअप पे देगा ठीक है उसके अलावा मैं अपना लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का नाम दे दूंगा आप उस नाम को इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करें और वहां मुझे फॉलो करें और वहां कोई भी चीज पूछनी हो आप मुझसे आज के बाद वहां पूछें क्योंकि देखिए मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा बहुत ज्यादा नंबर पर काफी सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे तो इसलिए हो सकता है आगे चल के मैं अपना नंबर ना दू हो सकता है कि मैं अपना नंबर पे स्क्रीन पे ना दू इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आज के बाद अपना जो है इंस्टाग्राम का अपना नाम दे दूंगा उस नाम को आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करें मेरी आईडी आ जाएगी वही मेरी प्रोफाइल है जो कारी अब्दुल हब चांग चैनल पर है जो कारी अब्दुल हब चांग चैनल प्रोफाइल है मेरी यूट्यूब चैनल पर वही वहां पर होगी और आप मुझे वहां पर मैसेज करें और फॉलो भी करें मजीद आप लोगों को मैं वहाँ गाइड करूंगा और वहां जो भी चीज चाहिए होगी मैं आप लोगों को वहां दे दूंगा ठीक है एक ये चीज होगी तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर सीखते हैं कि हमने प्रोफेशनल कुरान एडिटिंग काइन मास्टर के अंदर और सॉरी इन शॉर्ट के अंदर कैसे करनी है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें लाइक और कमेंट्स कर दें ताकि इस तरह मेरे चैनल से आप लोगों को प्रोफेशनल वीडियो वगैरह सीखने को मिले तो तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे हमने गूगल से भी वीडियो उठा लिए पहले से ही ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बचे इसी तरह आपने भी उठा लेनी जैसे कि मैंने शुरू में सब कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या करना है ठीक है तो अब हम आ जाते हैं कहां पे हम जाएंगे इन शॉर्ट पे वीडियो सिलेक्ट की ठीक है ये वीडियो में जैसे मैंने ये वीडियो उठाई हुई है ठीक है इस पर क्लिक किया तो ये देखें अब यहाँ पे ये YouTube साइज़ जी बिल्कुल YouTube साइज की बनी हुई है तो यहाँ पे आपने YouTube साइज सेलेक्ट कर लेना अब देखिए ये मैंने एक ही पार्ट उठाया एक ही सीन उठाया ठीक है अब अगर आपने इसी पे ही काम करना है पूरा एंड तक जितनी आपकी ऑडियो की लेंथ है उतना काम करना है तो आपने इसको खींचेंगे तो नहीं खींचेगी ठीक है ये जो खींचती है वो तस्वीर खींचती है इसको आपने क्या करना है डुप्लीकेट करना है ठीक है जैसे कि ये देखें ऑप्शन यहाँ पे स्क्रॉलिंग करें तो यहाँ पे आपको ये देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट फिर इसी तरह डुप्लीकेट डुप्लीकेट जितनी आपकी आर्डियो की लेंथ है इसको आपने उतना कर लेना है इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ मंजर उठाते हैं मुख्तफ मंजर उठाते हैं तो उसको आपने जोड़ना है इसी तरह जब आप जोड़ेंगे तो ये देखें ये सेंटर में आपको ये देखें ये जोड़ ये जोड़ नज़र आ रहा है इस पर प्रोफेशनल काम कैसे करना है फिर आपकी डुप्लीकेट करें या आप मुख्तलि सीन आप ऐड कर रहे हैं तो इस पर आपने काम कैसे करना है ये देखें अभी मैं चलाता हूँ तो ये कैसे आएगा ये देखें कैसे आया ठीक है तो इस पर आप क्लिक करें इस जगह पे और ये देखें ये चीज़ दे दे, ये चीज़ चीज़ दे दें देखिए इसको फुल कर दें अब देखिएगा कैसे आएगा देखा पता चला कितने प्यारे अंदाज से गुजरा है पता भी नहीं चला पहले कैसे आया था तो इस तरह आपने सारे जोड़ों पे आपने इस तरह काम कर लेना है ठीक है डुप्लीकेट अगर एक एक मंजर पे काम करना चाह तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके अपनी आडियो की लेंथ तक बना लेना है इसको ठीक है अगर मुख्तलि सीन उठा रहे हैं तो इसी तरीके से आपने जोड़ों पर काम करना है ये तो हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अब हम अपनी ऑडियो उठा लेते हैं पहले तो आपने ऑडियो उठानी क्योंकि आपने ऑडियो की लेंथ देखनी है ऑडियो की लेंथ कितनी है उस हिसाब से आपने वीडियो खींचनी है या वीडियो बनानी है तो ये देखिए म्यूजिक म्यूजिक में आप आ जाए ये यह देखिए यहां पे यहाँ पे आ जाए यहाँ पे माई म्यूजिक यहाँ पे आपको ये ले जाएगा जहां आपकी ऑडियो हुई है ये आला ले लेता हूँ आला ठीक है जी अगर आपको शुरू का पार्ट काटना है तो आपने इसको क्लिक करना है ठीक है ये देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां देख रहे हैं सिप्लिट यहाँ पे इसको क्लिक करें ये देखिए इस तरफ चला गया इसको इस तरफ नहीं इस तरफ हमने काटा है तो इस तरफ क्लिक करना है इस तरफ हो गया तो अब ये देखें ये ये डिलीट ये डिलीट कर दें ठीक है अब इसको पकड़ के पकड़ के यहाँ लेके आए शुरू में ठीक है पकड़ के प्रेस करके शुरू में लेके आ जाए ठीक है ये एक्स्ट्रा पार्ट कट गया अब हम इसको चेक करते हैं ठीक है अच्छा एक और चीज़ एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा अब आपने सूरत का नाम भी उठाना है ठीक है वो कैसे उठाना है वो भी आपने गूगल से उठाना है बना बनाया फुल एच डी अल्ट्रा में मिल जाएगा कोई बनाने की लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है वो भी आपको इसी में तरीका बताऊंगा सुर आला है, तो हम सुर आला लेके आएंगे कैसे लेके आएंगे मैं आपको अभी वो भी बताता हूं गूगल पे ये देखें पिज्जल यहाँ से आपने जाके वीडियो उठानी है ठीक है ये पिग्जल लिखा होता तो अभी हम आते हैं यहां से हमने ये देख रहे हैं आप कुरान क्लिप हेल्पर कुरान क्लिप हेल्पर लिखेंगे तो आपको आपको यहाँ पे बनी बनाई पूरे कुरान की सूरतों के नाम फुल एच डी अल्ट्रा में मिल जाएंगे अच्छा यहाँ देखिए एरो आता है। एरो को दबाते हैं तो डाउनलोड हो जाता है पहले तो आपने सूरा पिक ये देखिए सूरा पिक इसमें आना है अब आपको कौन सी सूरत चाहिए वहां पर आपने स्क्रोलिंग करना है ठीक है सूरा आला चाहिए मुझे तो सबसे नीचे चला जाऊंगा मैं ठीक है वीडियो को एंड तक देखना है गौर से समझना है बस आप यही गलती करते हैं जो आप लोगों को फिर चीज़ें समझ में नहीं आती ये रिसोरा रहा इस पर क्लिक किया ये देखें नीचे आ गया अब इसको ये देखें एयरो बनावा एरो बना, बना यहाँ से डाउनलोड हो अच्छा कुछ लोगों के पास एरो नहीं बना आता तो खाली वाइट बटन बना होता है वाइट बटन उसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अगर एरो नहीं आता तो वाइट बटन आएगा ये किया ठीक है डाउनलोड अगेन ये हो गया डाउनलोड ठीक है इसमें बैकग्राउंड पर रिमूव हुई हुई मिलती है ठीक है हो गया अब चलते हैं हम दोबारा इन शॉर्ट पर इन शॉर्ट पर अभी ये नाम कैसे ऐड करना है ठीक है ऑडियो भी लग गई वीडियो भी लग गई अभी ये देखें ऑडियो मैंने आपको क्या ऑडियो बड़ी है, है तो इसको आपने इसकी लेंथ तक लेके जाना कैसे वही डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके इसकी लेंथ तक बराबर कर लेना है ठीक है आपको सिखा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा ये बता रहा हूं अच्छा अब हमने सूरत का नाम लेके ना जो हमने वहां कहां से उठाई है कहाँ से जाएंगे उठाने ये देखिए ये देख रहे हैं आप स्टीकर स्टीकर देख रहे हैं इस स्टीकर क्लिक करें क्लिक करें बाद फिर स्टीकर पे क्लिक करें अब ये देखें इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करें यहाँ क्लिक कर लिया फिर ये एड में आ जाए एड में आएंगे ना तो ये देखें यहाँ पे आपको ये रहा ये मिल गई अब ये देखें इसको कितना छोटा बड़ा साइज करके आपको जिस तरह मेरी आप देखते हैं ना कारी अब्दुल हाब चांग चैनल पे वीडियो एडिटिंग सेम आपको वही सिखा रहा हूँ इसको आप कर लें साइड पे यहाँ पे ठीक है अब आप बोलेंगे गोल्डन भी होता है तो गोल्डन करने के लिए भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है आप जाके देख सकते हैं अगर इसको गोल्डन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? अब ये यह यहाँ पर लगा लिया अब हमने इसको एनिमेशन देना है अब ये पेंसिल देख रहे हैं पेंसिल इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ से निकलेगा ये देखें यहाँ पे इसको फुल कर दें तो ये आराम से आएगा प्यारे अंदाज से ठीक है इसको चेक कर दे ओके कर दे ये हो गया इसको भी ओके कर दे अब इसकी भी लेंथ आपने एंड तक लेके जानी है जितनी आपकी ऑडियो है वीडियो है, इसकी लेंथ भी वहीं तक लेके जानी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारी चली गई एंड तक लेंथ इसकी ठीक है ये भी हो गया अब क्या करना है अब हमने कुरान ऐड करना है इसमें ठीक है ये भी हो गया दूसरा क्या होता है लोगो ये सारी चीज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा पूरी फाइनल करके बताऊंगा आपने एंड तक वीडियो को देखना ताकि आप यहां से जब जाएं तो प्रोफेशनल कुरान वीडियो एडिटिंग करना सीख जाए ठीक है अब आपने क्या करना है अब आपने दोबारा चले जाना है कहां गूगल में जाना है कुरान लेने जाना है गूगल पे यहां लिखना है कुरान डॉट कॉम ठीक है कुरान डॉट कॉम लिख दिया सर्च यहां से बात को गौर से समझिएगा ठीक है ये थोड़ा मुश्किल है ये थ्री लाइंस देख रहे हैं थ्री लाइंस एक दो दफ़ा करेंगे समझ आ जाएगी आपको ये हो सकता है पहले में ही समझ आ जाएगा अगर गौर से समझेंगे तो तो ये थ्री लाइंस पे क्लिक करना है नीचे आए स्क्रॉलिंग करें तो प्रीवियस कुरान डॉट कॉम ये देखिए प्रीवियस कुरान डॉट कॉम इसको क्लिक करें ठीक है इसको क्लिक करने के बाद आपने कहा सुर आला थी ना हमारी चलते हैं नीचे मेरे भाई टाइम निकाल लिया करो अपने फायदे के लिए टाइम निकाल के वीडियो को एंड तक देख लिया करो मेरी वीडियो सारी काम की होती है जो लेक्चर होते हैं वो भी आप लोगों के मतलब के आपके काम के होते हैं ये देखें सुर आला इसको दबाया ठीक है अब क्या करना है अब ये देखें सेटिंग सेटिंग में आ जाए रीडिंग में आ जाए कट करें यहाँ से अब यहाँ पर पे आपने पेज नंबर देखना है यहाँ हम इसलिए आए पेज नंबर देखने क्या है फाइव पेज नंबर है फाइव नाइन वन सेटिंग में आ जाए ट्रांसलेशन में आ जाए कट कर दें अब इसको पेस्ट करें कॉपी करें सॉरी कॉपी कॉपी कर लिया अब चलते हैं क्या था फाइव नाइन वन था कॉपी कर लिया हमने अब जाते हैं इन शॉर्ट पर इंशॉर्ट पर अब आपने क्या करना है टेक्स्ट में आ जाना है ठीक है टेक्स्ट में आए ये देखें ये इस तरह शक्ल बनी हुई है कोई मसला नहीं है इसको क्लिक करें क्या था फाइव नाइन वन क्यों हमने वो सिलेक्ट किया था ये देखें क्लिक किया अब ये देखें फाउंड ए इसके अंदर आ जाए ठीक है उसके बाद आप किस में आ जाए ये देखें ए रो बनाए हैं इसके अंदर आ जाए फाइव नाइन वन था ठीक है अब आपने यहाँ क्या करना है इधर के सर्च में आना है सर्च में आके लिखना है फाइव नाइन वन फाइफ नाइन वन सर्च ये देखें ये आ गया ये देख रहे हैं ये वाला क्लिक किया ये देखें ठीक है अब इसका आपने साइज़ छोटा बड़ा जैसे करना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बैकग्राउंड लाइट है फॉर एग्जाम्पल तो आपने इसके नीचे पट्टी दे, दे देनी है कौन सी पट्टी देख लेते हैं अभी ये यह देखें यहाँ पे यहाँ पे आ जाए ये देखें लेबल ये ये देखें इस तरह ठीक है ये इस तरह देना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं ठीक है ताकि नज़र डार्क तेज़ आए ठीक है इसको मैं भी नहीं देता क्योंकि हमारी पहले से ही बैकग्राउंड डार्क है तो ये वाइट सही है ठीक है इसको अगर कलर देना चाहें तो ये देखें कलर में आ जाए सॉरी हाँ ये रहा हम कलर में ही है ये देखें या आप कुछ तो जो आपको कलर देना चाहें आप इसमें कलर भी दे सकते हैं ठीक है तो मैं आपको अक्सर देखता हूँ कि या तो इसको कलर चेंज करता हूँ या तो इंग्लिश का ठीक है ये हो गई यहाँ पर बात क्लियर ठीक है ख़त्म हो गई वाइट कर लेता हूँ तो अब क्या करना है इसको ओके करके आपने इसको थोड़ा सा अभी नहीं अभी नहीं खींचना सॉरी अब हमने इंग्लिश लेके आना इसका ठीक है दोबारा हमने गूगल में जाना है इंग्लिश लेने इसको दबा के रखें इंग्लिश को भी कॉपी कोशिश करें जिसको भी कॉपी करें जैसे अरबी कॉपी किया तो साथ में इंग्लिश ना मिक्स हो जाए ठीक है अगर इंग्लिश को कॉपी करें तो साथ में अरबिक ना मिक्स हो जाए ये इस चीज का ख्याल कीजिएगा कॉपी दोबारा चलते हैं हम कहाँ शॉर्ट में आ गए अब आपने क्या करना है दोबारा टैक्स में आ जाना है ये देखें यहाँ आ गया अरबी के कोई मसला नहीं हमने फिर फाउन में जाना है इंग्लिश करेंगे तो ये बन जाएगा ठीक ये इंग्लिश किया ये देखें ठीक हो गया अब इसको थोड़ा इसको छोटा करके इसका साइज़ इसके नीचे यहाँ एडजस्ट करना चाहें यहाँ एडजस्ट करना जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ओके करें इसको थोड़ा सा खींच लें जितना खींच सकते हैं हम अपनी वॉइस के साथ इसको मैच करना है अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा दोबारा बता रहा हूँ जब आपका पेज नंबर ख़त्म हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तो ठीक है और दूसरा अगर सुरा फातिया कर रहे हैं, तो सुरा, अगर पेज नंबर वन या टू या थ्री है तो उनसे पहले सर्च करने में आपको जीरो, जीरो जीरो वन लगाना पड़ेगा अगर वन है तो जीरो जीरो वन लगाना है अगर टू है तो जीरो जीरो टू लगेगा अगर थ्री है तो जीरो जीरो थ्री लगेगा ठीक है ठीक है यहां तक अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको क्लिक करें क्लिक किया किए करें और ये डिलीट इसी तरह इसको क्लिक करें ये करें डिलीट ठीक है ये हो गया अब ये हो गया बराबर ठीक है अब सुनते हैं स्टॉप अब हम दूसरे इसका नेक्स्ट आयात लेके आते हैं ठीक है हम यहाँ आगे इसको प्रेस करके रखें कॉपी ठीक है कॉपी किया दोबारा चलते हैं इन शॉर्ट ये आ गए अब यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाए ये किया चेक फाउन फाउन में आ जाए ठीक है इसको फाउन में आ जाए इसमें तो ये देखें हमने जो लगाया था पेज ये रहा ऊपर ठीक है ये देखें ठीक है पेज नंबर लगाया था तो ये यहाँ पे देखें सेव हो जाता है ठीक है अब जब तक आपका पेज खत्म नहीं हो जाता है तो बार बार नंबर नहीं लगाना आपने सिर्फ यहाँ के इसको फोन को चेंज करना है यहाँ पे जब आपका पेज नंबर खत्म हो जाएगा तो जब आप इस पर करेंगे तो ये गलत आ रहा होगा गलत आ रहा होगा या उल्टा आ रहा होगा या शुरू का आ रहा होगा इससे आपने समझ जाना कि आपका पेज नंबर खत्म हो गया जब खत्म हो गया तो आपने दोबारा सर्च में जाके उसी तरीके से जिस तरह मैंने किया था सर्च में जाके जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने पहला नंबर कौन सा लगाया हुआ था फाइव उसके लिए जाके दोबारा उसके लिए जाके पेज नंबर पर जाके पेज नंबर नहीं देखना बस आपने सर्च में जाके देखना कि आपने पहला पेज कौन सा लगाया था तो सर्च में जब क्लिक करेंगे तो पहले से लिखा जाएगा कि आपने पहले फाइव नाइन वन लगाया था तो फिर अगला पेज शुरू होगा तो फाइव नाइन टू लगेगा ठीक है इसी तरीके से आपने पूरी तिलावत बनानी है फिर याद रखिएगा नंबर वन है पेज तो जीरो, जीरो जीरो वन आएगा टू है तो जीरो जीरो टू आएगा ठीक है बस इसी तरीके से था आपने देख लिया आपको मैं एक और चीज सिखाता हूँ ठीक है इसी तरह इंग्लिश दोबारा लेके आनी है कलर भी आपको बता दिए कलर देना चाहे कलर दे सकते हैं नीचे बैकग्राउंड में पट्टी देना चाहे पट्टी दे सकते हैं ठीक हो गया इसी तरह फिर लोगो लोगो आपके जो होंगे और बटन जो होते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा वो कैसे लगते हैं ठीक है वो इसमें होते हैं स्टिकर में ही होते हैं जैसे कि ये देखें जो चीज़ें हम लगाते हैं तो यहाँ पर बन जाती हैं ठीक है तो हमने यहाँ से उठा के लगा देनी है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोगो है अब इसमें आपको ये बताता हूँ कि लोगो घूमता कैसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि वो बताएं अब इसको भी एंड एंड तक लेके जाना है एंड लेंथ तक ठीक है इसको छोटा करके हम यहाँ कोने में ले जाते हैं इसमें ये चीज़ भी देखने के जो घुमाता हूँ वो कैसे घूमता है यहाँ ले गए ठीक है ये एडिट में आ जाए ये देखें लोप इस पर आ जाए ये देखें ये इससे घूमता है इसको दोनों को फुल कर दें फुल कर दें ठीक है ये घूम रहा होगा तो इसको इस तरह वीडियो की एंड तक इसको भी लेके जाना है ठीक है उसके बाद फोर के होता है वो भी अगर जो चीज़ आप एक दफा इन शॉट में लगा लेते हैं तो वो आपके स्टिकर के इसके यहाँ पर आ जाती है ठीक है आ जाती है सेव हो जाती है इसी तरह आपने फोर लगा लेना है ये देखें ये देखें यहाँ पड़ा हुआ है ठीक है ये लगाना चाहें दूसरा लगाना चाहें इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको इस तरह का मवाद मटेरियल कहाँ से मिलेगा ठीक है इसको यहाँ कोने में इस कोने में लगा लें आपकी वीडियो और थंबनेल को प्रोफेशनल लुक देते हैं ये ठीक है ये भी हो गया बाकी होता है क्या बाकी इसको भी वीडियो के एंड तक लेके जाना है उसके बाद सब्सक्राइब बटन होता है ठीक है सब्सक्राइब बटन होता है ना वो भी आपने यहीं से उठा लेना है वो फिर जगहों पर लगता है वो शुरू से ले एंड तक नहीं लगता ठीक है ये हो गया फॉर एग्जाम्पल ठीक है यहाँ पर कहीं पर आप इसको लगा लें यहाँ लगा लें ठीक है और इसको ओके करके अब इसको आप क्या करें एडिट में आके इसको इन में आ जाए इसको लोप से ख़त्म करके इन में आए इन में आने के बाद ये अरो इस तरफ वाला ये करके थोड़ा सा खींच लें ठीक है इस तरह आपने मुख्त मुख्तलि जगह पर लगाना है फिर आपने नाम देना है नाम तो आपका आएगा चैनल का नाम है आपका नाम है कारी है जो भी है यहाँ पर आ जाए टैक्स में आ जाए ठीक है यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें जैसे मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल तिलावत कोर्स प्रोफेशनल तिलावत कोर्स अरबी का रहा कोई मसला नहीं हम जाएंगे हम अपना फॉर्म चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है ये इस तरह आ गया अब इसको कहीं भी आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ करके इसको इसको भी एनिमेशन दे दें यहाँ देखें यहाँ से ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए इसको फुल कर दें स्लो आएगा ठीक है इसको भी आप पूरा एंड तक ले जाएँ वीडियो के एंड तक ठीक है तो ये यह मैंने यहाँ लगा दिया जो जो चीज़ एंड तक लेके जाना ये यह देखिए यहाँ फंस गया इसके बीच में जो चीज़ एंड तक लेके जाने, जाने वाली है उस पर पहले आप काम करें ठीक है उस पर आप पहले काम कर लें फिर जो बटन है जो मुख्तु जगहों पे लगने वाले हैं फिर वो आखिर में काम होता है ठीक है समझ गए आप जो चीज़ एंड में लेके जाने वाली है पहले उन पर पूरा काम कर लें उसके बाद आप इन पर काम करें ताकि आपस में फंसे ना ठीक है समझ आ गई उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी फिर भी ना समझ आए तो मैं अपने मोबाइल का नंबर दे देता हूँ आप उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो, तो, तो अपना ख्याल रखिएगा नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा तो अब इसको सेव करना का मैं आपको बता देता हूँ जैसे फॉर आपकी तैयार हो गई है सब चीज़ें ठीक है अब इसको सेव कैसे करना है ये देखें सेव में आके आपने ये देखें थर्टी फ्रेम चूज़ करना है ये फ्रेम रेट थर्टी करना है टेन ए पी में आपने इसको सेव करना इस तरह आपने सेव कर देना ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़